हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि यहाँ नो कांटेक्ट दिखाई देता है और अभी तक आपके पर्सन ने आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बहुत लंबे समय से, हो सकता है आप दोनों अलग हैं, बहुत समय से ये नो कांटेक्ट चल रहा है और उन्होंने किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है और आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है इस इंसान का। आपने ऐसा है कि पेशेंस रखा और आपको उम्मीद रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और इसी वजह से आप इंतज़ार करते रहे हैं। बहुत समय बीत गया लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और इतने लंबे समय से इनसे अलग रहते हुए भी आपने ऐसा है कि किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान इसी इंसान की तरफ है, भले ही वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे लेकिन आपने लॉयल्टी बनाकर रखी है। और बहुत कुछ है आपके मन में, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो। आप चाहते हैं वो इंसान आपको क्लियरिटी दें, पास्ट में जो कुछ किया उसके बारे में वो बताएं कि क्यों किया था। लेकिन ऐसा है कि कोई भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा, वो इंसान की तरफ से आपको कोई एक्शन ही देखने को नहीं मिलता। वो ऐसा है कि जैसे थे बस वैसे ही हैं, आपसे दूर हैं। और आपने कोशिश की है, आपने कोशिश की कि सब कुछ सही हो जाए। जब आपसे अलग हुए आपने इनसे कांटेक्ट किया, आपने इनसे बात करना चाहा, अपनी तरफ से सब कुछ किया है आपने, लेकिन इस इंसान ने ही आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये आपसे दूर भागते रहे हैं, आपको इग्नोर करते रहे और आप इनके लिए फिर भी वफादार रहे हैं। इन्होंने आपके साथ भले ही धोखा किया है, ये हो सकता है थर्ड पार्टी में चले गए, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप आज भी इन्हीं का इंतज़ार करते हैं। आपको लगता है कि वो इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आज भी आप उनको मौका देने को तैयार हैं और आप ये भी चाहते हैं कि किसी तरह आपको पता भी चले ये बात कि वो इंसान आखिर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं। इसी के लिए आप टैरो रीडिंग्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या, ये इंसान कभी कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे, कि आप बस ऐसे ही इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो ये भी आपके मन में है कि आप पता चलना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। और इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख भी दिया है गाइस। हमेशा इनके साथ आप खुश रहे ऐसा नहीं था, परेशान भी आप बहुत ज़्यादा रहे हैं इनके साथ। इस रिश्ते में खुशी से ज़्यादा तो आपको दुख मिला है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के लिए आज भी ईमानदार हैं। वो चाहे आपसे कितना भी झगड़ा कर लें, आपको कितना भी बुरा भला कह दें, आपको गलत भी उन्होंने कहा है, लेकिन आप सब चीज़ ऐसा है कि कुछ टाइम आपके मन में रहती है और आप सब कुछ भुला देते थे। फिर आपको लगता था कि नहीं, जैसे भी हैं आपके अपने हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते। और यही बात आज भी आपके मन में है कि वो इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ता है तो आप उनको एक मौका देना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अभी भी उनके बारे में ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल छोड़ दिए और अब आपको कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। आज भी आप उनका वेट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, देखिए वो एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, उसकी वजह क्या है? वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, उसकी वजह है कि ये इंसान की प्रायोरिटीज़ बहुत सारी हैं। देखिए उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी है, उनके काम उनका काम उनकी प्रायोरिटी है, उनके फ्रेंड्स उनकी प्रायोरिटी हैं। इन सब में ये इंसान उलझे हुए हैं, इसीलिए ये आपको महत्व नहीं देते हैं। अभी भी वही हाल है। यह इंसान सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह है, तो फैमिली के सोसाइटी की चिंता में ये रहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे और इनको लगता है कि यहाँ पर इनके परिवार में जो या तो इनके आसपास के जो भी लोग हैं, यहाँ इनकी ज़िम्मेदारी है, इनको उसको पूरा करना है। ये उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, इनको उनका साथ देना ज़रूरी है, इनके बिना वहाँ पर कोई करने वाला नहीं है। ये सारी बातें इनके दिमाग में रहती है, इस वजह से ये उन लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं और इन सब में बिज़ी रहते हैं। ये इस वजह से आपका नंबर सबसे आखिरी में आता है, इसीलिए इंसान आपकी तरफ क्या है ध्यान नहीं देते हैं। इन ये उन्हीं में बिज़ी हैं, उन्हीं लोगों के लिए किए जा रहे हैं और उनको लगता है कि आपके लिए नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, पर इन लोगों का अगर ये नहीं करते हैं तो फिर ये सही नहीं है इनके लिए, वो लोग इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि ना ही वो पूरी तरह से आपका साथ छोड़ते और ना ही ऐसा है कि आपका साथ देते। कभी आपकी लाइफ में वापस आना है,
कभी आपको छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इस टाइप का रहा है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रही है। ये इंसान पूरी तरह से आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं दे रहे और ना ही आपका साथ दे रहे हैं। और ऐसा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड, अगर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ, जो भी इनके आसपास के लोग हैं थर्ड पार्टी, वो ऐसा है कि उन लोगों का साथ देते हैं। और जब वहाँ से सब कुछ निपट जाता है, फ्री हो जाते हैं, तब इनको आपकी याद आती है। ये ऐसे इंसान हैं, कभी भी इनकी प्रायोरिटी आप नहीं रहे हैं। तो ये इंसान का वही है, ना ही आपका साथ दे रहे हैं, ना ही आपका साथ छोड़ रहे हैं, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना ही आपको कोई क्लैरिटी देते। ऐसा है गाइस कि ये इंसान तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, परिवार के साथ समय बिताना है, दोस्तों के साथ समय बिताना है, घूमना फिरना सब इनका सही है। ये आपको परेशान करके रखे हुए हैं, आपको स्टक कर दिया है जैसे, और ना ही इनकी वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही ऐसा है कि कोई फैसला कर पाते कि करना क्या। आप सोचते हैं मूव ऑन करने का, फिर भी आप नहीं कर पाते, आपको फिर वही है, ये इंसान फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। कुछ समय अलग रहेंगे, फिर आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते। देखिए, ये भी आपको मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये भी याद करते हैं, लेकिन बात जब एक्शन की आती है तो इंसान कोई भी एक्शन आपके लिए लेना नहीं चाहते। इनको लगता है कि नहीं, वहाँ इनकी जिम्मेदारी है तो इनको वहाँ पर सब कुछ करना है, अभी ये आपके लिए अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते। और फिर अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा है कि लोग हर्ट होंगे, वो शायद हो सकता है आपको पसंद नहीं करते, इनकी फैमिली वाले हों, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। तो इनको यही लगता है कि फ्यूचर कुछ है नहीं, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनकी आप दोनों की वजह से दूसरे हर्ट होंगे, और ये अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते। तो इन सब की वजह से क्या है, ये एक्शन की बात आती है तो रुक जाते हैं। ऐसे तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, कमिटमेंट वगैरह मांगेंगे, तो ये नहीं दे सकते। इसलिए इनको लगता है कि नहीं, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो फिर आप वही बात करेंगे और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा इनको लगता है। और हो सकता है गाइस आपने ही इनसे ये बात कही है कि आप इनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, इनके बिना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनको ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है, तो इनको मालूम है कि आप उनका वेट करते रहोगे, जब भी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे आप इनको एक्सेप्ट करोगे। और वहाँ जिन लोगों के साथ ये हैं, इनको पता है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं। और अगर ये वहाँ थर्ड पार्टी के लिए, जो भी इनके आसपास के लोग हैं उनके लिए अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो लोग इनका साथ छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लेंगे। इनको ये बात पता है, और ये ऐसे हैं कि उन लोगों के बिना ये नहीं रह सकते, इनकी प्रायोरिटी हैं वो लोग। तो इस वजह से ये उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, आप इनका वेट करने वाले हो। देखिए, इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, प्यार तो ये आज भी आपसे करते हैं, आज भी आपको ये मिस करते हैं, और ये स्टॉक भी आपको कर रहे हैं, और ये इनसिक्योर भी होते हैं। अगर इनको कहीं से भी पता चल गया कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने वाले हैं, या कोई आपकी लाइफ में आ गया है, तो ये बर्दाश्त नहीं है इस इंसान को। ये क्या करते हैं, जब ऐसा ही कुछ इनको भनक लगती है तो ये फिर वापस आ जाते हैं, फिर आपसे बातचीत की, फिर आपको ऐसा है कि अपने जाल में फंसा लिया, फिर आप इनकी साइड हो जाते हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं इसी वजह से। तो ये इंसान का यही है, अभी भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, पर ये आपकी तरफ जो बढ़ नहीं रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आप कमिटमेंट मांगेंगे, इनको ये लगता है। फिर इनको लगता है कि अभी वहाँ जहाँ ये अभी हैं वहाँ पर ऐसा है कि बहुत कुछ इनको करना है अभी उन लोगों के लिए, तो पहले ये वो सब कर लेंगे फिर आपके बारे में सोचेंगे, ये भी इनको लगता है। तो ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, प्यार भी आपसे करते हैं, पर वही है कि आपके लिए एक्शन लेना नहीं चाहते। और अगर आप इस इंसान में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, और जिस तरह अभी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। आपको खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, आपके आसपास जो लोग हैं आपको उन पर ध्यान देना होगा। और जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, आप इस इंसान में परिवर्तन नहीं देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो आपको यही सब करना है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।